subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है यहाँ पर एक और गजब सेशन में। तो जितने भी गाइज यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को हेलो हाय वेलकम, राइट। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से एक ही उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे, बिकॉज ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। वाई एम सिंह की ये सेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लेट्स सी कि क्या क्या इस सेशन में आज खास है। कंप्यूटर जी एक बार दिखा दीजिए कि आज के सेशन में ऐसा क्या क्या खास है। ओके, हमारे कंप्यूटर जी एक मिनट चाह रहे हैं हम लोगों से। नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम। और उम्मीद करता हूँ आपका जिनका भी RRB JEE का एग्जामिनेशन है वो बढ़िया करके आएंगे। एकदम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट जिनका रहता है, जिनका हो चुका है, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसी एक और उम्मीद करता हूँ। ओके, तो इसी सेशन को स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर पूछे गए हैं हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस पूछी गई हैं कि किसने किसकी खोज की, तो लेट्स सी कि किसने किसकी खोज की। चलिए कंप्यूटर जी, तो आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की और उन्होंने क्या क्या खोजें की। फिर इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस जिन्हें आज हम फॉलोअप करेंगे। तो जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं कीप शेयरिंग दिस सेशन, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चलिए कंप्यूटर जी, पहले साइंटिस्ट देखते हैं यहाँ से। तो हमारे पहले साइंटिस्ट जो हैं, हमारे जो आते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर जी अगले पहले साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज़ आर्किमिडीज। कट रहा है कंप्यूटर जी, थोड़ा सा पार्ट इसे सही कर दीजिए। आर्किमिडीज आते हैं, आर्किमिडीज ऑफ साइरस वाज एशियंट ग्रीक साइंटिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर जी को, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी भी कट रहा है कंप्यूटर जी, थोड़ा स्मॉल जूम इन कर लीजिए, थोड़ा जूम आउट। ओके, जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हैं प्लीज़ वेट गाइस, थोड़ा सा मैनेजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, पूरी स्लाइड दिखा दीजिए, पूरी स्लाइड दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आर्किमिडीज के बारे में अगर हम पढ़ें, तो आर्किमिडीज ऑफ सिंडस वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर एंड एस्ट्रोनॉमर। अमंग अदर थिंग्स ही हैड कैलकुलेटेड पाई। तो आर्किमिडीज ने पाई की बेसिकली खोज की, एंड डेवलप द आर्किमिडीज स्क्रू फॉर लिफ्टिंग अप द वाटर एंड फ्रॉम माइंस और वेल्स। तो माइंस और वेल्स के लिए भी बेसिकली यहाँ पर उन्होंने लिफ्ट तैयारी की। अगला देखते हैं साइंटिस्ट, अगला साइंटिस्ट आते हैं हमारे कैलुन, ठीक है। तो ये चाइनीज इन्वेंटर हैं पेपर के। तो याद रखना है कि कैलुन वाज अ चाइनीज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडिटेड व्हेन द इन्वेंटिंग मॉडर्न पेपर। जब उन्होंने मॉडर्न पेपर को इन्वेंट किया बेसिकली, ठीक है, हिज इन्वेंशन इंक्लूडेड द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल सच एज बार्क। उन्होंने बार्क का यूज़ करके बेसिकली पेपर की यहाँ पर खोज की। अगला साइंटिस्ट है, दैट इज़ लियोनार्डो डी विंसी। तो ये इटलियन आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलीमैथ हैं। डी विंसी जो इन्होंने इन्वेंट किया, एक ह्यूज रेंज ऑफ मशीन्स है जो इन्होंने इन्वेंट की, और जो जिसमें लगभग 300 से 500 ईयर लेटर जो प्रूव्ड हुए, वर्केबल हुई थी, ठीक है। दिस इंक्लूडेड द प्रोटोटाइप ऑफ पैरासूट्स, टैंक्स, फ्लाइंग मशीन्स एंड सिंगल स्पैन ब्रिजेस। तो ये सारी मशीन्स हैं जिनके पीछे हमारे लियोनार्डो डी विंसी का हाथ रहा है। अगला साइंटिस्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगला साइंटिस्ट लगाइए कंप्यूटर जी, गैलीलियो। तो गैलीलियो इटालियन साइंटिस्ट हैं। गैलीलियो डेवलप्ड अ पावरफुल टेलीस्कोप, इन्होंने एक पावरफुल टेलीस्कोप की खोज की, एंड कन्फर्म्ड द रिवोल्यूशनरी थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। और जितनी भी हमारी रिवोल्यूशन थ्योरी हैं कि किस तरह से कोई चीज़ घूमती फिरती है, उसका भी यहाँ पर नेचर इन्होंने बताया। आल्सो डेवलप एन इम्प्रूव्ड कंपास, और एक इम्प्रूव्ड कंपास की भी इन्होंने क्या की, खोज की गैलीलियो ने। अगला देखते हैं यहाँ से, दैट इज़ सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने न्यूटन ने अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन्होंने खोजा था, द ग्रेटली इम्प्रूव्ड द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप। और इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हु हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप, देन योर आंसर शुड बी सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन वाज आल्सो अ ग्रेट फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर, एज वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। आगे चलते हैं जिसमें आप पाएंगे अब आधा आधा हो सकता है, आई थिंक कंप्यूटर जी, सर थॉमस सेवरी, राइट, इंग्लिश इन्वेंटर हैं। सेवरी
सेवरी प्रिटेंडेड वन ऑफ द फर्स्ट स्टीम इंजन, इन्होंने पहला स्टीम इंजन बेसिकली बनाया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो विच वॉज पायनियर्ड फॉर द यूज ऑफ पंपिंग वाटर फ्रॉम द माइंस, और ये किस लिए काम में आया था बेसिकली, वाटर को पंप करने के लिए माइंस से, ठीक है। द ओरिजिनल सेवरी स्टीम इंजन वॉज बेसिक बट इट वॉज यूज इन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेटर डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन, मतलब ये बेसिक से एक स्टार्टिंग में बेसिकली से अगर हम कह सकते हैं इसे कि एक छोटा सा इंजन था जिसने पानी को, मगर इसी के बाद में स्टीम इंजन जो आज रेलगाड़ी वगैरह में यूज़ होता है वो इसी के आधार पर था। जितने भी दोस्त यहाँ पर शेयर कर दीजिए सेशन को, अगला देखते हैं यहाँ पर अगले साइंटिस्ट हमारे आते हैं, दैट इज़ थॉमस न्यूकोमेन। सो थॉमस न्यूकोमेन जो साइंटिस्ट है वो इंग्लिश इन्वेंटर हैं जिन्होंने पहली बार प्रैक्टिकल स्टीम इंजन को बेसिकली खोजा। आगे चलते हैं, जेथ्रो टुल इंग्लिश एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हैं। टुल इन्वेंटेड द सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन हॉय, ठीक है। तो इन्होंने सीड ड्रिल मशीन और हॉर्स ड्रॉन हॉय की यहाँ पर इन्होंने क्या की, खोज की। आगे चलिए, अच्छा रजत कह रहे हैं सर थोड़ा धीरे धीरे, रजत आप टेंशन मत लीजिएगा, स्नैपशॉट लेते चलिएगा। अब्राहम डार्वे जो है वो इंग्लिश क्वार्कर हैं, इन्वेंटर हैं, ठीक है, और एक बिजनेसमैन भी हैं। डार्वे डेवलप्ड ए प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ पिग आयरन फ्रॉम कोक, ठीक है। कोक से पिग आयरन जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा महारत हासिल किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अब्राहम डार्वे किससे रिलेट करते हैं, सो योर आंसर शुड बी बेसिकली इन्वेंशन ऑफ पिग आयरन फ्रॉम कोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जॉन हैरिसन है जो हमारे इंग्लिश कारपेंटर हैं एंड क्लॉक मेकर हैं, ठीक है। तो आ सकता है कि हु इज़ नोन एज क्लॉक मेकर, देन जॉन हैरिसन इज़ द राइट आंसर। ही इन्वेंटेड अ डिवाइस फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड एट सी लेवल, दिस वाज द क्रूशियल इन्वेंशन टू इम्प्रूव द सेफ्टी और नेविगेटिंग द ओशंस। ये किस लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, कि जो हमारे सेफ्टी हैं और नेविगेशन है उसे बेसिकली हम यहाँ पर बना, ठीक है। तो सर नोट कर रहे हैं नोटबुक, तो बड़ा तो बोला मैंने, कोई नहीं रजत, एक्चुअली होता क्या डियर, थोड़ा सा टाइम कम होता है, ठीक है। और अगर मैं टाइम मतलब करीब 50 साइंटिस्ट हैं जो कराने हैं, अगर उसी हिसाब से चलता रहा तो यार नहीं हो पाएगा, तो तुम स्नैपशॉट लेना पसंद करना, ठीक है गाइस। ओके आगे चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन पॉलीमैथ हैं, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड फ्रैंकलिन स्टॉप। तो फ्रैंकलिन स्टॉप की किसने खोज की, दैट इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इलेक्ट्रिसिटी की खोज बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन की। द लाइटनिंग रॉड एंड बाइफोकल्स, फ्रैंकलिन वाज आल्सो एन अमेरिकन स्टेट्समैन एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अमेरिका। जो मॉडर्न अमेरिका आज तुम देखते हो आप लोग, उसके बेसिकली इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम कलेन, ठीक है। तो ये स्कॉटिश फिजिशियन है और केमिस्ट भी हैं। ही इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंटिंग द बेसिस फॉर द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेटर, इन्होंने पहला आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेटर बनाया था, ठीक है। ऑल्दो इट टुक अदर्स टू मेक हिज डिज़ाइन सूटेबल फॉर प्रैक्टिस यूज, ठीक है। तो विलियम कलेन का आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इन्होंने पहला आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेटर बनाया था, दैट इज़ विलियम कलेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके रात भर ये पीपीटी बनाई है, अलग अलग साइंटिस्ट को ढूंढ ढूंढ के निकाला है। सो अगर आप लोग मतलब आप लोग सोचते हैं कि यार सेशन में मतलब मदद मेहनत नहीं लगती, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं आप लोग। जॉन विकिंसन, ठीक है, तो जॉन विकिंसन इंग्लिश इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, ठीक है। जॉन आयरन मेड विकिंसन डेवलप्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन का यहाँ पर डेवलपमेंट किया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिए, सर रिचार्ड आर्कराइट है वो इंग्लिश एंटरप्रेन्योर हैं एंड फादर हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। आर्कराइट वाज अ लीडिंग पायनियर इन द स्पिनिंग इंडस्ट्री, और ये एक बहुत लीडिंग पायनियर रहे हैं जो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री है उसके, ठीक है। ही इन्वेंटेड द स्पिनिंग फ्रेम एंड वाज सक्सेसफुल इन यूजिंग दिस इन द मास स्केल फैक्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, जेम्स वॉट, इन्हें कौन नहीं जानता, जेम्स वॉट दैट इज स्कॉटिश इन्वेंटर हैं, जेम्स स्कॉट हैं जो हमारे जो जेम्स वॉट हैं वो हमारे स्कॉटिश इन्वेंटर हैं,
और जो डिपेंड कर स्कॉटिश इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है, विच वॉज सूटेबल फॉर द ट्रेन, जो हमारे ट्रेन्स में काम में आता है, ठीक है. इसके बाद हिज इन्वेंशन ऑफ अ सेपरेट कंडेंसिंग चैम्बर ग्रेटली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम. पता है, उन्होंने पहले भी ऐसा नहीं कि इंजन नहीं बनता था, इंजन बनता था, मगर इन्होंने सबसे बड़ी काम जो किया था जेम्स वॉट ने इज़ दैट कि इन्होंने सेपरेट चैम्बर बनाया था. और सेपरेट चैम्बर बनाने से हुआ क्या था, जो इंजन था उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी. एफिशिएंसी मतलब गाइस एनर्जी कितनी हमें दे रहे हैं, हम उसे दे रहे हैं और वो उसके बदले में कितना काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बढ़ गई थी, ठीक. इट इनेबल द स्टीम इंजन टू बी यूज्ड फॉर ग्रेटर रेंज पर्पसेस, ठीक है, जस्ट पंपिंग वाटर से ज़्यादा ये ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए काम में आने के काबिल हुआ. आगे चलते हैं. सर हम्फ्रे डेवी, ये इंग्लिश इन्वेंटर हैं डेवी लैंप के. The lamp could be used by miners in the areas where methane gas existed because the design prevented a flame escaping a fine gas. ठीक है, आगे चलिए. चार्ल्स बेबिज, चार्ल्स बेबिज के बारे में आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश मैथमेटिशियन है और इन्वेंटर हैं. बेबिज क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रूव्ड टू बी प्रोटोटाइप ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर डिस्पाइट नॉट फिनिशिंग अ वर्किंग मॉडल. तो आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबिज जो हैं हमारे इंग्लिश मैथमेटिशियन भी रहे थे और मैथमेटिशियन होने के ही लिए इन्होंने बेसिकली कंप्यूटर की खोज की. कंप्यूटर वाज नॉट लाइक दैट कि उन्हें गाने सुनने थे उस समय, न्यूज़ देखनी थी, यूट्यूब देखना था, ऐसा कुछ भी नहीं था. मगर चार्ल्स बेबिज ने इस वजह से कंप्यूटर बनाया क्योंकि उन्हें कंप्यूट करना था. कंप्यूटर मतलब गणना करनी थी. गणना किसकी करनी थी, जमा घटा गुना भाग करना था उन्हें, ठीक है. सो पहली बार जब उन्होंने कंप्यूटर बनाया तो एक कमरे के बराबर का कंप्यूटर बनाया. धीरे 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 करके मॉडर्न कंप्यूटर्स बने और आज जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत छोटा बना. हिंदी में भी बता रहा हूँ यहाँ पर दीपेंद्र जी, हिंदी में बता रहा हूँ, डोंट वरी. अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला साइंटिस्ट माइकल फैराडे. माइकल फैराडे 1791 to 1867 इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेल्प की कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू अ फॉर्मर दैट कुड बी इजीली यूज्ड. मतलब माइकल फैराडे ने कुछ इस तरह से फॉर्म करने की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इस फॉर्म में लाने की कोशिश की जो आसानी से यूज़ में लाई जा सके गाइस, ठीक है. फैराडे डिस्कवर्ड बेंजीन एंड आल्सो इन्वेंटेड एन अर्ली फॉर्म ऑफ बंसन बर्नर. तो इन्होंने बंसन बर्नर की भी खोज की और उसके साथ साथ में बेंजीन भी उन्होंने डिस्कवरी करके दिखाई. अगला यहाँ पर लेते हैं साइंटिस्ट हमारे आते हैं, दैट इज सैमुअल मॉर्स. तो सैमुअल मॉर्स जो इन्वेंटर हैं बेसिकली वो प्रिंसिपल यूज़ किया था उन्होंने जैक्सन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट टू डेवलप अ सिंगल टेलीग्राफ वायर. तो उन्होंने सिंगल टेलीग्राफ वायर का जो क्वेश्चन आ सकता है, इज नॉट ऑल अबाउट टेलीग्राफ किसने खोजा, इट्स अबाउट सिंगल टेलीग्राफ वायर किसने खोजी. देन योर आंसर शुड बी सैमुअल मॉर्स, ठीक है, ओके. आज सर कौन जीतेगा, आज रुझान आने लगे हैं. देखिए जो भी जीतेगा भैया वो अच्छा ही होगा, ठीक है, मतलब जो भी जीतेगा वो अच्छा ही होगा. और ये हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा यहाँ से बिकॉज सिचुएशंस बनी हुई हैं, बट आप सभी जानते हैं कि आएगा तो है ना. और मतलब बिकॉज मतलब कंडीशंस ऐसी हैं और ऐसा नहीं मैं मतलब आई एम नॉट इन फेवर कि हमेशा वही आता रहे, ठीक है, बिकॉज बदलाव बहुत ज़रूरी है. अभी तो नहीं बट कुछ साल बाद बदलाव जरूरी है बिकॉज यार मतलब एक राजा निरंकुश हो जाता है, उस पर फिर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है. तो इट्स नॉट लाइक, पर हाँ ये बात है कि उस पार्टी के विपक्ष में भी एक बड़ा नेता होना बहुत ज़रूरी है. चलिए यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है. विलियम हेनरी फॉक्स के बारे में बात करते हैं. ब्रिटिश विक्टोरियन पायनियर हैं हमारे फोटोग्राफी के. ही इन्वेंटेड द फर्स्ट नेगेटिव विच कुड मेक सेवरल पॉइंट्स, ठीक है. और ही इज़ नॉन फॉर इन्वेंटिंग द कैलोटाइप प्रोसेस ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स, ठीक है. आगे चलिए यहाँ पर. तो अब आते हैं हमारे लुईस ब्रेल. आप सभी जानते हैं कि लुईस ब्रेल का काम उन्होंने ब्लाइंड चाइल्ड के लिए किया, उन्होंने उनके लिए लैंग्वेज बनाया, पूरा सिस्टम खड़ा किया ताकि वो लोग देख सकें और अच्छे से महसूस कर सकें. तो पता है मैं भी मतलब जैसे मैं भी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है. आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली ये वर्ड लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल माई नेम, ठीक है, तो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लोकेश लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे. मगर उनके लिए अगर ऐसा लिखा रहेगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, जो हमारे जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं. तो उनके लिए पता है डॉटेड भाषा में लिखा जाता है और पेपर के ऊपर खुदरा हुआ लिखा जाता है ताकि वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे पढ़ लेते हैं आराम से, बहुत आराम से ऐसे पढ़ लेते हैं. तो गाइज मतलब इट्स लाइक उनके लिए जो सिस्टम है उसने बहुत मदद की, ठीक है. आगे चलते हैं लुईस ब्रेल के बाद. हाँ आगे चलिए. देन किर्क पैट्रिक मैकलमैन, ठीक है. तो आप सभी जानते हैं कि स्कॉटिश इन्वेंटर रहे हैं ये पैडल बाईसाइकिल के,
और किक पैट्रिक ने कंट्रीब्यूशन है जो मेक अ रियर व्हील ड्राइविंग बाइसाइकिल थ्रू यूज़ ऑफ चेन. अब इन्होंने चेन का यूज़ किया था बाइसाइकिल में, ठीक है. और गिविंग बेसिक डिज़ाइन ऑफ बाइसाइकिल जो आज हम जानते हैं, तो बेसिक डिज़ाइन बेसिकली किर्क पैट्रिक ने दी थी, मैकमिलन ने यहाँ पर दी थी. आगे चलिए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये स्कॉटिश फिजिसिस्ट रहे हैं, इन्वेंटर भी हैं. मैक्सवेल इन्वेंटर तभी थोड़ी सी खराब है गाइस मेरी आज, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है. मैक्सवेल इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कलर फोटोग्राफी. मैक्सवेल वाज द आल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ मिलेनियम. तो इन्हें मिलेनियम के भी पहले जो हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट के नाम से जाना जाता है. आगे चलते हैं कंप्यूटर जी. कार्ल बेंज जो हमारे जर्मन इन्वेंटर हैं और बिजनेसमैन हैं. बेंज डेवलप्ड द पेट्रोल पावर्ड कार. इन्होंने पेट्रोल से चलने वाली कार को डेवलप किया कार्ल बेंज ने. और इन 1879 बेंज रिसीव्ड हिज फर्स्ट पेटेंट फॉर पेट्रोल पावर्ड इंटरनल कम्बशन इंजन. और इन्होंने पहली बार इंटरनल कम्बशन वाले पेट्रोल जो हमारी जो बेसिकली जो गाड़ी चलती है उन्हें हमारे यहाँ पर बनाया. आगे चलते हैं. थॉमस एडिशन, इनके बारे में कौन नहीं जानता. इनके आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी. तो थॉमस एडिशन की जो कहावत है वो ये है कि बहुत ही कमज़ोर थे. कमज़ोर होने के साथ साथ ये इतने मतलब डल थे हर एक सब्जेक्ट में कि वो कुछ भी पढ़ ही नहीं पाते थे. तो उनके एक दिन स्कूल टीचर ने उन्हें बोला कि थॉमस मैं तुम्हारे डायरी में कुछ लिख के दे रही हूँ, तो उन्हें अपनी माँ को दिखाना. तो थॉमस ने अपनी माँ को डायरी में कुछ दिखाया, तो लिख के दिखाया. और टीचर ने ये भी बोला कि तुम्हें पढ़ना नहीं है बीच में, ठीक है. तो ऐसा ही थॉमस ने किया. तो उसकी माँ देखकर उसे रोने लगी, मतलब जो डायरी में लिखा था उसे देखकर रोने लगी. थॉमस ने पूछा, माँ ऐसी क्या बात है जो मतलब आप रो रहे हो, मतलब क्या हुआ ऐसा. तो माँ ने बोला कि इस डायरी में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और हमेशा मतलब ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, और मतलब ये कक्षा में हमारी जो कक्षा है उससे कोप अप नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा होशियार है, ऐसा उसकी माँ ने बोला एडिशन को. तो कुछ साल बाद मतलब तो थॉमस को बिलीव हुआ, हाँ, और बोला कि आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाइए. तो थॉमस एडिशन की माँ ने थॉमस को थोड़ा बहुत पढ़ाना स्टार्ट किया. धीरे धीरे करके थॉमस का इंटरेस्ट चलता गया पढ़ाई में, और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े यहाँ पर साइंटिस्ट बने हमारे थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और ना जाने क्या क्या मोशन पिक्चर कैमरा हमें खोज कर दिया. तो एक दिन ऐसे ही थॉमस की माँ की डेथ हो गई थी, और फिर उनके डेथ के बाद बेसिकली थॉमस देख रहे थे तो उस लेटर पे लिखा हुआ था कि थॉमस बेहद ही निकम्मा लड़का है, इसे कुछ आता जाता है नहीं, और ये कक्षा में सबसे पीछे रहता है. मुझे नहीं लगता कि ये आगे पढ़ाई कर पाएगा और कुछ बन पाएगा. तो थॉमस उस चिट्ठी को देखकर, उस डायरी को देखकर रोने लगे थे, बिकॉज ये विश्वास था उनकी माँ का जो थॉमस पे किया. तो वैसे ही कुछ विश्वास मैं तुम लोगों पे भी करता हूँ, ठीक है, कि तुम कुछ बनोगे, डेफिनेटली कुछ बनोगे. बेशक तुम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हो, मगर मुझे तुम लोगों पर विश्वास है कि ज़रूर एक ना एक दिन कुछ करके दिखाओगे और कहोगे कि सर देखिए आज हम यहाँ पर पहुँच गए. मतलब दैट विल बी द प्राउड मोमेंट फॉर मी गाइस, ठीक है. ही डेवलप्ड एंड इनोवेटेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और इन्होंने बहुत बड़ी प्रोडक्ट बनाई जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे हमारे, ठीक है. आगे चलिए, अलेक्जेंडर बेल हैं जो हमारे स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं. क्रेडिट किया गया इन्हें इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन, पहला प्रैक्टिकल टेलीफोन क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर इन्हें बेसिकली पहला जो इन्वेंटेड जो हमारे सॉरी माफ करना प्रैक्टिकल टेलीफोन है वो बेसिकली अलेक्जेंडर बेल के द्वारा बनाया गया, ठीक है. आल्सो वर्कड ऑन ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन, और ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन पर भी इन्होंने काम किया, लाइक एरोनॉटिक्स, हाइड्रोफिल्स पे, ठीक है. आगे चलिए, निकोला टेस्ला है जो हमारे अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, हु इन्वेंटेड फ्लोरोसेंट लाइटनिंग, द टेस्ला कॉइल, द इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. मतलब सीधी बात है, निकोला टेस्ला जो है वो अमेरिकन फिजिस्ट हैं, और उन्होंने टेस्ला कॉइल का, इंडक्शन मोटर का और तीन फेज इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली क्या क्या खोज किया है. आगे चलिए, रूडोल्फ डीजल के बारे में आप सभी जानते होंगे, डीजल इंजन की खोज की है. डीजल सॉट टू बिल्ड एन इंजन विच हैड मच ग्रेटर एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी. आगे चलते हैं,
एड्रॉन मैकलेन, तो जो इसके बारे में बात करें तो जॉन डनलप इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल प्यूनोमेटिक टायर. तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गाइस, जॉन डनलप. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है. आगे चलते हैं हम, मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी के बारे में कौन नहीं जानता. पॉलिश बॉर्न फ्रेंच केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट, क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड हेल्प द मेक द रेडिएशन एंड एक्सरेज. तो उन्होंने एक्सरेज को खोजा और रेडिएशन की खोज की. ठीक है, आगे चलिए. सॉरी, एक्सरेज के यूज से रेडिएशन को खोजा. द राइट ब्रदर्स. राइट ब्रदर्स के बारे में कौन नहीं जानता. हवाई जहाज उड़ाने, तो इनका दोनों भाइयों का मन होता था पहले कि हम भी पंछी की तरह उड़ सकें, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार. तो दोनों भाई जीत गए. ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट एयरक्राफ्ट बना के दिखाया 1903 में. ठीक है, आगे चलिए. मैक्रोनी याद आ रहा है. हालांकि नाश्ता वास्ता करके आया हूँ, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मतलब इट्स लाइक दैट कि वहाँ भी थोड़ा ध्यान है तबीयत पे भी. इटालियन इन्वेंटर ऑफ द रेडियो मार्कोनी डेवलप्ड वायरलेस ट्रांसमीटर सिग्नल्स यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो मार्कोनी ने वायरलेस ट्रांसमीटर्स को हमारा डेवलप किया था. आगे चलते हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फ्लेमिंग ने बेसिकली, आप सभी जानते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाई एसिडेंट फ्रॉम मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, इन 1928 में बेसिकली क्या किया था, डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक. राइट, आगे चलते हैं. जॉन लॉग बेयर्ड, ठीक है, तो स्कॉटिश इन्वेंटर हैं, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न. तो बेयर्ड ने हमारा टेलीविज़न की खोज की, सभी जानते हैं. आगे चलिए. फर्मी, एनरिको फर्मी. एनरिको फर्मी इज इटालियन साइंटिस्ट हु हेल्प्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर. इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर खोज की. फर्मी मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ही इंड्यूस्ड द रेडियो एक्टिविटी, और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोज की. आगे चलते हैं. जे जॉबर्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने एटॉमिक बम की बेसिकली यहाँ पर खोज की. आगे चलिए. एलन ट्यूरिंग की बात करें तो इंग्लिश 20th सेंचुरी है, जो मैथमेटिशियन है कंप्यूटर साइंस में, और ही डेवलप्ड द ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, और कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेस, जो खुद ही प्रोसेस को कर ले, ऐसी ट्यूरिंग मशीन की इसने खोज की. आगे चलिए. रॉबर्ट नॉइसे, ठीक है, अमेरिकन 20th सेंचुरी के बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं. जैक केली, ही इन्वेंटेड द माइक्रोचिप और इंटीग्रेटेड सर्किट. आगे चलते हैं. जेम्स डायसन ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर हैं. ही डेवलप्ड द बैगलेस वैक्यूम क्लीनर. तो बैगलेस वैक्यूम क्लीनर इज डेवलप्ड बाय जेम्स डायसन. आगे चलिए. टिम बर्सन ली, ठीक है, तो इन्होंने, टिम बर्सन ली ने HTTP प्रोटोकॉल, आज तुम यूज़ करते हो, जो अभी देखिए आपका जो अगर आप लैपटॉप पे बैठे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है https://www. तो जो https://hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली जो होती है हमारी, जो इंटरनेट को पूरे वर्ल्ड को बेसिकली अवेलेबल कराने के लिए जोड़ती है, दैट इज़ hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने डेवलप की थी, टिम ने. ठीक है, आगे चलिए. स्टीव जॉब्स तो जानते हैं, इन्होंने आईपॉड, आईफोन, मैकबुक, ये सारी चीज़ों की खोज की है, और बहुत बड़े इन्वेंटर भी रहे हैं, डेवलपर भी रहे हैं. तो इन्होंने सोच के देखिए, एप्पल एक अपना ही अलग सॉफ्टवेयर इन्होंने खड़ा कर दिया था स्टीव जॉब्स ने. हाँ, और 2011 में इनकी डेथ हुई. आगे चलते हैं. अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके लिए, दैट हु इन्वेंटेड एयर कंडीशनिंग. आंसर दीजिए सभी दोस्त, यहाँ पर जुड़ जाइए जितने भी दोस्त हैं, कि हु इन्वेंटेड एयर कंडीशनिंग. पार्ट टू में हम प्रवेश कर चुके हैं कि एयर कंडीशनर की खोज किसने की थी. डू यू नो गाइस, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. बिल्कुल, विल्स कैरियर इन 1902 में हमारे एयर कंडीशनर की खोज हुई थी. ठीक है, आगे चलिए. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हु इन्वेंटेड एटॉमिक बम. एटॉमिक बम की खोज किसने की थी. हु इन्वेंटेड एटॉमिक बम. हु इन्वेंटेड एटॉमिक बॉम्ब, बताइए. ओके, एटॉमिक बॉम्ब की खोज किसने की थी. अब कह रहे प्रशांत हिंदी में, भैया एयर कंडीशनर मतलब एसी यार. अब इसे मतलब मैं क्या लिखाऊँ ऐसे, मतलब वातानुकूलित हवा ही, मतलब कुछ भी लिखूँ, मतलब ऐसे एटॉमिक बम को मैं परमाणु बम लिख लो यार, इतना तो यार सब समझते हो प्रशांत. मैं समझता हूँ कि यार थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, मगर इतनी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, गॉट इट. हाँ, मैं अटैच करा दूंगा अजीत, अवजीत, हाँ मैं करा दूंगा. ठीक है, सो हु इन्वेंटेड एटॉमिक बम. चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, दैट इज रॉबर्ट ओपेनहाइमर. राइट इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं.
हु इज द इन्वेंटर ऑफ बॉल पॉइंट पेन? बॉल पॉइंट पेन के इन्वेंटर कौन है? हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट? चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है यहाँ पर। चलिए कंप्यूटर आंसर देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर लेडिस्लो बेसिकली बीरो इन 1938। ठीक है आगे चलते हैं। हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? इंटरनेट की खोज किसने की? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बॉल पॉइंट तो देखिए सभी जानते हैं, मगर बॉल, हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? चलिए इंटरनेट की खोज किसने की देखते हैं। रॉबर्ट ई कहा एंड विंट सर्फ ने हमारे इंटरनेट की खोज की। आगे चलिए। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? मोबाइल फोन की किसने की? मोबाइल फोन, चलिए आंसर देखते हैं। मोबाइल फोन की। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक चेयर? एक सेकेंड, मोबाइल फोन की रहेगी यहाँ पर पीपीटी में। मोबाइल फोन का है हमारा मार्टिन कूपर। ठीक है चलिए। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक चेयर? इलेक्ट्रिक चेयर की किसने की? अब दिखाइए आंसर। इलेक्ट्रिक चेयर की हमारे थॉमस एडिसन ने 1888 में की। ठीक है अगला देखते हैं। व्हेन वाज मैकिंटोश कंप्यूटर इन्वेंटेड? आंसर दिखाइए, कंप्यूटर से आंसर नहीं आ रहे क्वेश्चन। इन 1984 एप्पल ने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज एमएस डॉस वाज इन्वेंटेड? आंसर दिखाइए, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आ रहा। इन 1981 बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन? किसने सीलिंग फैन की खोज की? प्रशांत बोल रहे हैं नो साउंड। इज देयर प्रॉब्लम ऑफ साउंड? आई थिंक नो प्रॉब्लम ऑफ साउंड, एवरीथिंग इज गुड। आ रहा है, आ रहा है, एक ही बच्चा चल रहा है। आंसर दीजिए। फिलिप डेल इन 1882 में हमारे। चलिए आगे चलते हैं। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर की किसने खोज की? चलिए इलेक्ट्रिक मोटर को देखते हैं हम। विलियम स्टर्जन, एमी डेवनपोर्ट, थॉमस डेवनपोर्ट, माइकल फेराडे, ये चार लोग थे जिन्होंने हमारी मोटर की खोज की, इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है आगे चलिए। साउंड तो आ रही है साउंड तो आ रही है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ इंसुलिन गाइस? हु इज द इन्वेंटर इंसुलिन? इंसुलिन की खोज किसने की? चलिए आंसर दीजिए। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंक चार्ल्स ने दी। ठीक है अगला क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? बेयर्ड हो जाएगा क्योंकि अभी कराया था। आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन लगाइए। हु इज द इन्वेंटर ऑफ मेडिकल थर्मोमीटर? मेडिकल थर्मोमीटर की किसने खोज की? इसका आंसर देखते हैं। थॉमस एल्बर्ट इसका सही आंसर है, मेडिकल थर्मोमीटर की। ठीक है अगला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज इन्वेंटर ऑफ वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स का इन्वेंटर कौन है? चलिए आंसर देखते हैं, राल्फ बेयर इन 1967। आगे चलिए। द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? टेलीफोन के इन्वेंटर का नेम? आंसर देखते हैं,
अलेक्जेंडर ग्राम बेल इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन. ओके ओवर. सो गाइज, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए थे. दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग, एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लोकेश सर अड्डा 247 साइंस करके एक इस नाम से ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ बेसिकली कलेक्ट कर लेना है. ठीक है, लोकेश सर अड्डा 247 साइंस, और यहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर लेना और आप लोग अच्छे से मेहनत करना. ठीक है, सो जिनका कल एग्ज़ाम है, पहली बात, कैसा लगा सेशन, आपको लगा कि बहुत सारे हमने यहाँ पर हमने बहुत सारे साइंटिस्ट को जाना. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट को जाना, रिविज़न भी किया. एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू गाइज कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन टू इन द क्लास, एंड थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस सेशन. एंड फिर कल मिलते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट यूनिट्स किसके क्या होते हैं, बिकॉज ये भी एग्जामिनेशन में आ रही हैं. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो. सब्सक्राइब टू अड्डा 247 YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियोज़.